अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई क्या हाल है, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पाक असील ब्रांड और वेलकम आपका भाई। काफ़ी दोस्त हजरात जो है ना मुझसे पूछ रहे कि भाई जान टिकटॉक के ऊपर भी ये सवाल चल रहा था, ठीक है YouTube के ऊपर तो काफ़ी कम क्योंकि मैंने कल स्टार्ट किया दोबारा YouTube, ठीक है। तो काफ़ी भाइयों का ये सवाल था कि भाई हम क्या इस मौसम में मुर्गी बिठा सकते हैं अंडों के ऊपर। तो आइए चलते हैं, मैं आपको पहले दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा भाई इस मौसम में मुर्गी बिठानी चाहिए या नहीं बिठानी चाहिए, ठीक है। पहले तो आप देखें भाई गर्मी की शिद्दत कैसी है, ठीक है। तो ये कुछ चूज़े खड़े हैं इस टाइम, बिल्कुल अभी तो चूज़े यार इतनी गर्मी नहीं करते वैसे, लेकिन यार करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास माहौल है ठंडा, ठीक है। तो ये चेक करें, अभी सबके सामने पानी वगैरह तो इनके सामने पड़ा ही रहता है, ठीक है। गर्मी चेक करें यार, गर्मी के वजह से ढाल पड़े हैं। और ये चेक करें, मैंने इनके ऊपर पंखा वगैरह लगाया हुआ है ताकि भाई इन सब परिंदों को हवा वगैरह जाती रहे। ये केज में बंद परिंदे खड़े हैं, इनका चेक करें मुंह कैसे खोल के खड़े हैं, सांस ले रहे लंबी लंबी, ठीक है। तो कल ये वाला जो मैं हमारा परिंदा है ना, कल ये वाला भाई काफ़ी ढीला हो गया था। मैं आपको इसकी कंडीशन और तबीयत अब दिखाता हूँ भाई, ये इसकी अब तबीयत और कंडीशन कैसी है, ठीक है। ये चेक करें, इसका रंग आप देख रहे हैं सफ़ेद हुआ पड़ा चेहरे का। अब वो किस लिए कि हुआ ये था कि यार कल इसको गर्मी का झटका लगा जिसकी वजह से ना ये बैठ गया था सुकून से और मुंह से इसके पानी आ रहा था। वो इसलिए कि भाई गर्मी लग गई थी, अभी भी देख रहे हैं इसकी मुंह में तारे बन रही हैं, ठीक है। तो मैंने रात के तकरीबन 10 से 11 बजे देखा और इसका मैंने जो है अच्छी तरह इसके साइडें वगैरह धो दी अच्छी तरह, ठीक है। फिलहाल अभी तो ठीक है, अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में मैंने इसे इंजेक्शन लगाए थे नैरो बयान और पेंसिलिन 10 लाख, ठीक है। वो इंजेक्शन लगा के मैंने इसे छोड़ दिया, अभी भी ये यानी कि गर्मी में ही खड़ा है। इसे बुखार हो गया था तकरीबन, तो बुखार होने की वजह से इसे भाई गर्मी का झटका लगा यार, गर्मी की वजह से इसे बुखार हुआ, ठीक है ना। तो इंजेक्शन वगैरह मैंने लगाया, जो सिरप वगैरह थे वो मैंने इसे दिए ताकि ये भाई जान ठीक हो जाए, और कैल्शियम वगैरह भी दिया, ठीक है, ताकि इसके कैल्शियम पूरे रहें, गर्मी की वजह से गर्मी ना लगे इतनी, ठीक है। अच्छा ये चेक करें सीन, अब ये उसी उस वाइट वाली मादी के भी बच्चे इसी मादी के साथ आके खड़े हैं और ये कुछ भी नहीं कहती माशाल्लाह से, ठीक है। ये चूजे दोनों को अपनी माए समझते हैं, तो माशाल्लाह ये इकट्ठे फिरते रहते हैं, ठीक है। और कल मैंने इन चूजों की थी इन केजेस की थी सफाई, ये सारे आप देख रहे हैं, इन सब केजेस के मैंने की थी कल सफाई। ये गर्मी की वजह से देख रहे हैं कैसे पानी फेंक रहे हैं, वो इसलिए कि भाई ये सारा पानी ही पी जा रहे हैं, ठीक है। और पानी पियेंगे तो पानी ही फेंकेंगे, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मसला है क्योंकि गर्मी तो बहुत है ना। ये चेक करें, ये जोड़ा खड़ा, ये सारे मैंने ना कल केजेस की ना सफाई की है, क्योंकि भाई कचरा होने की वजह से भाई जान मसला ये बन जाता है कचरा होने की वजह से कि भाई इन केजेस में चिचड़ी वगैरह पैदा हो जाती है जिसकी वजह से इनको चिचड़ी होती है और 2-3 दिन के अंदर इनको या तो कोई फेवर बुखार वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से परिंदे ढीले हो जाते हैं, ठीक है भाई, हमें इलाज करने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा अब आ जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर भाई, किस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो इसलिए वो टॉपिक ये था भाई कि मादियों को इस मौसम में अंडों पर बिठाएं या ना बिठाएं, ठीक है भाई जान, बिल्कुल भी ना बिठाएं, ठीक है। अगर बिठाएंगे तो भाई आपके अंडों का नुकसान होगा और परिंदे का भी नुकसान होगा। मादियां जो है ना 2 से 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेंगी अंडे के ऊपर, ठीक है, अंडों के ऊपर। तो तकरीबन जैसे 6-7 दिन गुजरेंगे वो भाई जान शाम को जो है ना अंडों से खड़ी हो जाएगी वो गर्मी की वजह से भाई, और अंडे भी खराब हो जाएंगे, फायदा नहीं है, क्योंकि भाई परिंदा जब गर्मी में होता है तो उसकी हीट बढ़ जाती है जिस्म की, और अंडों को हीट जब ज्यादा पड़ेगी तो उसमें उन्होंने भाई जान खराब ही होना और कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो जाहिर यह है कि भाई आप अपने परिंदों को मादियों को, ठीक है, इस मौसम में अंडों पर ना बिठाएं, इसका कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान ही होगा। हाँ अलबत्ता आपके पास अगर इनक्यूबेटर है उसमें से आप अंडे रख के आप बच्चे वगैरह निकलवा सकते हैं, ठीक है, और वो भी इंक्यूबेटर भी ऑटोमेटिक हो, ठीक है, जो कि भाई खुद ब्लोअर से हीट अगर बढ़ जाए तो वो जो है ना ब्लोअर वगैरह से हवा को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो यही है, हीट वगैरह बढ़ जाती है ना तो इंक्यूबेटर जो है ना अक्सर जो है ना ब्लोअर वगैरह लगा होता है, मेरे इंक्यूबेटर के पीछे भी जो है ना ब्लोअर लगा हुआ है,
तो अगर हीट बढ़ जाए तो भाई जान वो हीट को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अलबत्ता मैं उसे यूज नहीं कर रहा अभी, और ना ही अभी मादियों को मैं अंडों पर बिठा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही मसला आता है, बच्चे निकल भी जाएं तो भाई वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते और डेड हो जाते हैं। आज की वीडियो भाई बस यहाँ तक थी भाई, भाई को जरूर जाकर सपोर्ट करें यार, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें भाई जान। अल्लाह हाफिज, आज की वीडियो यहाँ तक थी, अपने और अपने शौक का ख्याल रखिए। ओके जी, जजाकल्ला।